आप सभी चंद्रशेखर वेंकट रमन को कभी ना कभी सुना होगा। भारत ही नहीं संपूर्ण एशिया में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें प्रकाश संबंधी खोज के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से प्राप्त नोबेल पुरस्कार ने प्रकाश संकीर्णन संबंधी अद्भुत खोज से विश्व को चमत्कृत सा कर दिया था। सीमित साधनों के बीच रहकर इस भारतीय ने वैज्ञानिक पीढ़ी को नई दिशा दी। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली के पास छोटे से गांव में एक तमिल ब्राह्मण शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिक विज्ञान एवं गणित शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे, जो विशाखापत्तनम में कॉलेज प्रोफेसर के पद पर पदस्थ थे। उनकी माता पार्वती अमल थी। उनका परिवार संगीत में काफी रुचि रखता था। सीवी रमन ने घर पर ही रहकर विज्ञान, संस्कृत, संगीत आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। रमन अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे। उनके पिता ने उन्हें विशेष रूप से अंग्रेजी सिखाई थी। रमन की रुचि खेल कूद में न होकर प्रकृति के एक रहस्यों को जानने में अधिक थी। 12 वर्ष की आयु में स्नातक की पढ़ाई हेतु प्रेसिडेंसी कॉलेज में चले गए। 1905 में बीए प्रथम श्रेणी स्वर्ण पदक के साथ और एमए भौतिक शास्त्र के एक विषय के रूप में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसी वर्ष भारतीय वित्त विभाग की परीक्षा में प्रथम आकर सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त हो गए। अंग्रेज इस छोटे से दिखने वाले रमन की अनूठी प्रतिभा से अभिभूत थे। इसी वर्ष उनका विवाह कृष्ण अय्यर के पुत्री लोकसुंदरी से हुआ। रमन ने सरकारी नौकरी करते हुए अपनी विज्ञान साधना नहीं छोड़ी थी। कलकत्ता स्थित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीयों के लिए बनाई गई परिषद के अवैतनिक सचिव अमृत लाला सरकार से मिले और प्रदर्शनी में पड़े हुए बेकार उपकरणों को प्रयोग में लाने की इच्छा जाहिर की। अब उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर रंगून चले गए। फिर 1910 में पिता के देहांत के पश्चात वे प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रयोगशाला में कार्य करते रहे। तत्पश्चात यहीं पर रहकर उन्होंने ध्वनि के कंपन और वाद्यों के सिद्धांत पर अध्ययन किया। उन्होंने भी वायलिन और सितार पर हार्मोनिक संगीत संबंधी लेख लिखे, जो लंदन में काफी प्रसिद्ध हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें भौतिकी का प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सचिव भी नियुक्त हुए। 1919 में अमृत लाल सरकार के निधन के पश्चात रमन ने उनका कार्यभार संभालते हुए विभिन्न वस्तुओं में प्रकाश चलने का अध्ययन किया। रमन ने पाया कि प्रकाश समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता और उसका कुछ भाग अपना मार्ग बदलकर बिखर जाता है। भूख प्यास की चिंता किए बगैर कई घंटों तक कार्य करते रहे। अपने प्रयोग से संबंधित उपकरण जुटाने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1921 में लंदन में उनकी मुलाकात रदरफोर्ड एवं जे.जे. थॉमसन से हुई। उनके द्वारा किए गए प्रयोग एवं परिणाम वहां की रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में छपे थे। वापस आते समय जहाज यात्रा के दौरान उन्होंने जल के नीले रंग को देखकर यह अध्ययन कर डाला कि जल का नीलापन छाया के कारण नहीं, जल के रंग के कारण ही आ रहा है, जबकि इसके पूर्व के वैज्ञानिकों ने इसे आकाश की नीली छाया का होना बताया था। उन्होंने अपने गहन शोध के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि प्रकाश जब जब ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें रेत के कण होते हैं, वह इधर उधर बिखर जाता है, उसकी लंबाई बदल जाती है, फलस्वरूप हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। जब यही प्रकाश तरल पदार्थ से गुजरता है तो तीव्रता और तरंग लंबाई दोनों में कमी आ जाती है। बिखरे हुए प्रकाश को उन्होंने इसी आधार पर यंत्र से नापकर दुनिया से अवगत कराया। प्रकाश के परावर्तन संबंधी बिखराव को उन्होंने 16 मार्च 1928 को साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन बंगलौर में वैज्ञानिकों के समक्ष रखा। 1930 में उनके इस अनुसंधान को समस्त विश्व में सराहा और उन्हें इसी वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार लेने हेतु सपरिवार वे स्टॉकहोम गए। उन्होंने अपने इस प्रयोग को अल्कोहल द्रव पर भी करके दिखाया
रमन शरीर से अत्यंत दुर्बल होते हुए भी आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी, कठोर परिश्रमी, स्वभाव से विनम्र, सादगी संपन्न जीवन जीने वाले संस्कारी, परोपकारी, मानव सेवी, ईश्वर के प्रति आस्थावान तथा उत्कृष्ट वक्ता थे। रमन को देश विदेशों में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन एक न्यायप्रिय कठोर प्रशासक थे। स्वाभिमानी, श्रेष्ठ अध्यापकीय गुणों से युक्त महान वैज्ञानिक थे। गांधी, नेहरू तथा पटेल उनके प्रशंसक थे। वे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव भी रहे। 21 नवंबर 1970 की सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध खोज के कारण आज भी पूरे भारतवर्ष में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।